गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 तक हमने आपको करवा दिया था. आज हम न्यू एक्सरसाइज 5.3 जिसमें फ्रैक्शन का गुणा करना और भाग करना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों टाइप के क्वेश्चन है. आपको मैं एक एग्जांपल से आज समझाते हैं. एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है गुणा कीजिए. पहला सेवन अपॉन फाइव इंटू सेवन ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसमें हमें इसको गुणा करना है. सेवन अपॉन फाइव इंटू सेवन तो हल लिख लें या फिर हम सॉल्व कर लेते हैं. कुछ भी लिख लें. सेवन अपॉन फाइव क्रॉस किया सेवन. इसके नीचे कुछ नहीं है. ये आंसर इसमें कितना है सेवन और हल कितना है फाइव. इसमें सेवन है कुछ नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया सपोज कर लिया बट अब आपस में दोनों का क्या करेंगे देखेंगे. सेवन में सेवन का इंटू कर देंगे तो सेवन सेवन जा 49 और फाइव बन जा फाइव. तो किसी भी फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं. इसके बाद सेकेंड सिक्स अपॉन सेवन इंटू फाइव क्वेश्चन है. सिक्स अपॉन सेवन इंटू फाइव ऐसे इसमें करना है. सिक्स अपॉन सेवन फाइव के नीचे क्या सपोज कर लेंगे वन. तो सिक्स फाइव जा थर्टी और सेवन बन जा सेवन. तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो एग्जांपल हमने आपको यहां पर क्लियर कर दिए. अब इसके बाद आता है भाग देना. ये सभी आपको वर्क कंप्लीट करना है. सिर्फ कॉपी में नोट करना है क्वेश्चन. एक एग्जाम्पल क्वेश्चन टू का भाग दीजिए. टू का फर्स्ट सिक्स अपॉन सेवन डिवाइड थ्री हल. सिक्स अपॉन सेवन डिवाइड थ्री तो थ्री के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया यहां पर भी वन. तो सिक्स अपॉन सेवन डिवाइड का साइन जब ऊपर संख्या पलटती है तो चेंज हो जाता है. तो डिवाइड का क्या हो जाएगा इनटू और संख्या क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी. थ्री अपॉन किस में चेंज हो जाएगा वन अपॉन थ्री में. हम यहां पर देख लेंगे जो कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर देंगे और यदि नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर का इनटू कर देंगे और नीचे नीचे का इनटू कर देंगे. तो थ्री से सिक्स कैंसिल हो रहे हैं या फिर आप ऐसा करते हैं सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन भी कर सकते हैं. सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन इस तरह से क्वेश्चन 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब इसके बाद है 5.3 का सेकंड क्वेश्चन. पहले इसका हम आंसर मैच कर ले या फिर इसमें और आगे सिंपलीफाई हो रहा हो तो इसको अपन और सिंपल कर देंगे. यदि ऐसे ही आंसर आ रहा होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे. 5.3 का सेकंड का फर्स्ट 6/21 इतना ही आ रहा है तो हमें इसको आगे और नहीं करना है. जैसे हम इसको आगे हम और भी कर सकते थे. थ्री से इसको हम कैंसिल कर सकते थे. थ्री टू जा सिक्स और थ्री सेवन जा 21 लेकिन आंसर में हम इतना ही दिया है तो हम इसको आगे नहीं करेंगे इतना ही कर छोड़ देंगे. ठीक है तो आंसर ये आ गया हमारा 6/21. तो सेकंड का एक एग्जाम्पल हो गया सिंपल था. 6/7 डिवाइड 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया था यहाँ 1. अब 6/7 डिवाइड का क्या हो गया क्रॉस और संख्या क्या हो गई नंबर चेंज हो गए थ्री ऊपर नीचे पहुंच गए वन ऊपर. तो सिक्स वन जा सिक्स और सेवन थ्री जा 21 ये हमारा आंसर होगा 6/21. अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है
एक विद्यालय में हम आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन जो हमने आपको एग्जांपल में यहाँ पर समझा रहे हैं बोर्ड पर, ये हम आपको पीडीएफ में भी सेंड करेंगे और यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का कि एक विद्यालय में प्रतिदिन 8 पीरियड लगते हैं, यदि पीरियड की अवधि 3/4 घंटे की है तो 8 पीरियडों की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें एक विद्यालय में सबसे पहले लिखना होगा कि कितने पीरियड लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखेंगे हम विद्यालय में प्रतिदिन 8, ठीक है। एक पीरियड की अवधि मतलब एक पीरियड का समय कितना है, उन्होंने आपको बताया है। एक पीरियड की अवधि, अवधि में समय कितना बताया, 3/4 घंटे। तो एक पीरियड 8 पीरियड, 8 पीरियड की अवधि हमें निकालना है कि कितने घंटे लगेंगे। तो 3/4 × 8 घंटे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, 1। 4 × 4 = 8 और 3 × 2 घंटे, 3 × 2 = 6 कितना टाइम लगा हमें, 6 घंटे लगे, ठीक है। क्वेश्चन का एक बार पढ़ते हैं आपको कि एक विद्यालय में प्रतिदिन 8 पीरियड लगते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि विद्यालय में प्रतिदिन कितने पीरियड लगते हैं, 8। यदि पीरियड की अवधि 3/4 घंटे की है, तो एक पीरियड की अवधि 3/4 घंटे है, तो उन्होंने कहा है कि हमें 8 पीरियडों की कुल अवधि को निकालना है, बताना है। तो 8 पीरियड की अवधि 3/4 में 8 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, 1, ठीक है। तो 4 × 2 को कैंसिल कर दिया, 3 × 2 = 6 घंटे, 6 आवर्स लगे। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन हमने आपको 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन 2 हो गया और क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब है क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, वो हम आपको पीडीएफ में सेंड करेंगे। अब आती है न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट है गुणनखंड फैक्टर्स, 6th यूनिट। एक एग्जांपल इसका समझा देते हैं। यूनिट 6 फैक्टर्स गुणनखंड, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फैक्टर्स, ये हुआ। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखना है, 5 गुणन लिखना है, मतलब 5 गुणा जब निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो हम आपको पीडीएफ में सब फिर से एक बार उनको पढ़ाया है, फिर से एक बार सेंड कर देंगे। 5 गुणा से हमें निकालना है इसके, 6 के, तो 6 को हमें 5 टाइम्स बाद में क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 में हमें इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 का गुणा किसका निकालना है, 6 का, 6 का गुणा निकालने के लिए, 6 का गुणज निकालने के लिए हमें 6 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 से हम गुणा करते हैं। तो 1 × 6 किया तो 6 बन गया 6, 2 × 6 किया 12,
थ्री इंटू सिक्स किया 18, फोर इंटू सिक्स किया 24, फाइव इंटू सिक्स किया 13। ये हमारे कितने निकल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 गुणा निकल आए किसके, 6 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं, अतः 6 के 5 गुणा इस प्रकार है।